अभिषेक शर्मा, और आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के करंट अफेयर्स का, उसको कवर अप करेंगे। कल की वीडियो के अंदर हमने इंडियन इकोनॉमी के एक्सटर्नल सेक्टर वाले पार्ट के अंदर कुछ एरियाज कवर अप किए थे, तो एक बार क्विक लुक उनकी ले लेते हैं, देन वी कैन मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक ऑफ टुडे। ओके, जो प्रेजेंटेशन है आज के लेक्चर की वो इट विल बी सेम एज यस्टरडे। सो आप फिर भी उसका जो डाउनलोड लिंक है दैट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो वहां से ले सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। सो एनी हाउ, कल के डेट के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, देन आर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े थे। और जो गुड्स है उसमें हमारे टॉप इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड सिमिलरली इन केस ऑफ सर्विसेज कहाँ कहाँ पे उनकी कैटेगराइजेशन है, रैंकिंग कैसे है, वो सब पढ़ा था। और प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हमारे पास आए हुए हैं। और ये भी डिस्कस किया था कि ज्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक पोर्शन में आए हैं, लेकिन 2019 के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो डायनामिक हैं दोनों के दोनों। इस वजह से दोनों एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर भी और स्टैटिक भी। इसके बाद जो हमने बात की थी वो वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस रिपोर्ट और एक ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट की बात की थी, ये दोनों रिपोर्ट हमने पढ़ा था। फिर हमने ये कहा था कि इंडिया में इंपोर्ट्स को लेके जो दो मेजर कंसर्न्स हैं वो है एनर्जी और गोल्ड। तो एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे पास जो पॉलिसीज हैं नेल्प एंड हेल्प, तो उनकी हमने बात की थी कल। अब इनके बाद जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंडिया है उसकी भी मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया था कि प्रेजेंटली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत कम है वर्ल्ड ओवर, और इसका फायदा इंडिया कैसे उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, तो इसके बारे में भी है वर्थ टेकिंग अ डिस्कशन। सो दिस होल वीडियो यू कैन सी, द लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप द ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग इज क्लियर। तो जो बच्चे इसको लाइव देख रहे हैं तो वो अपनी तरफ से येस सर लिखे तो मुझे बता सकते हैं, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। ओके, सो सबसे पहला जो एरिया है दैट वी हैव टू डील विद टुडे इज इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। सो दैट हैज बिन अ मेजर मेजर कंसर्न फॉर इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट इंडिया हैज। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड काउंट तो होता है, लेकिन इंडिया में जो गोल्ड है वो ज्यादातर सोशल लेवल पे यूज होता है और घरों में डंप हो जाता है, तो इस वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में इसकी उतनी यूजेज नहीं हो पाती। दूसरा, इट इज अ मेजर यू नो वे ऑफ स्टोरेज ऑफ ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन इन इंडिया, सो बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स ट्रबल। तो बेसिकली इंडिया बींग द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच गोल्ड इज गेटिंग इम्पोर्टेड इन टू द कंट्री एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग द ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया और करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया, हाउ इट इफेक्ट्स द करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया इन गेटिंग द रुपी टू अ वीकर पोजिशन। सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। ओके, चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं, तो इसके बारे में आरबीआई क्या क्या कर रहा है उन एफर्ट्स के बारे में भी जानते हैं। सो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड को कम करने के लिए, क्योंकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत हैं तो हम कम करने की हमेशा कोशिश करते हैं, कम करने के लिए आरबीआई ने जो स्कीम्स लेके आया है तो उन स्कीम्स पे एक बार नजर मारते हैं। पहली है 80-20 स्कीम। तो ये 2013-14 में स्कीम आई थी, 14 में इसको बंद कर दिया गया था। तो इसमें आरबीआई मैंडेटेड अ मिनिमम 20% ऑफ इंपोर्टेड गोल्ड मस्ट बी एक्सपोर्टेड बैक। तो उसका कहने का मतलब है कि जो ज्वेलरी मेकर्स हैं जो उसको इंपोर्ट करते हैं तो उनको एक फिनिश प्रोडक्ट में उसको वापस भेजना है। एंड सच वॉज द पावर दैट वॉज एक्सेस्ड बाय द आरबीआई थ्रू फीमा, दैट इज फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये एक बेसिक प्री कंडीशन लगाई गई थी इम्पोर्टर्स के ऊपर, ताकि जो ज्वेलर्स हैं, बुलियन डीलर्स हैं, एक्सेट्रा है, तो वो जितना गोल्ड मांगेंगे उसको कम से कम 20% उनको वापस एक्सपोर्ट भी करना है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी का वो स्टेबल रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम आई, अब ये 2014 में बंद हो गई थी, तो नेक्स्ट स्कीम जो हमारे पास आई दैट वाज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सो दिस केम इन 2015। सो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इश्यूड गोल्ड बॉन्ड्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ 1 ग्राम एंड इट्स मल्टीपल्स, इन विच 1 पर्सन कैन बाय अप टू 4 kgs and they can be purchased from commercial banks, post office or authorized agents, and this release was continued in 2018 and 19 as well. 20 में तो आपको पता है देश के वैसे बुरे हाल हैं, तो ये 20 में तो नहीं हुआ, लेकिन अब आगे जाके देखते हैं। अब ये गोल्ड बॉन्ड का जो टेन्योर है दैट इज फॉर 8 years, तो एक बार आप खरीदेंगे तो 8 साल के लिए आपका पैसा जो है वो ब्लॉक होगा, लेकिन 5 साल के बाद एक ऑप्शन है जब आप इससे बाहर निकल सकते हैं।
ऑफर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई बेसिकली इज प्रॉमिसिंग अ 2% इंटरेस्ट रेट इन दी वैल्यू ऑफ योर गोल्ड बॉन्ड, सो दैट यू विल गेट. सो दिस विल बी ऑन द यू नो रिडेम्पशन डेट यू गेट प्रिंसिपल इक्विवेलेंट ऑफ द लेटेस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड इन ग्राम्स. तो सपोज कीजिए कि जब आपने 2015 में अगर गोल्ड खरीदा, तो अगर उस टाइम पे उसकी वैल्यू 30,000 थी और आज उसकी वैल्यू अगर 48,000 या 50,000 या आगे जाके कहीं भी पहुंचती है, तो एक तो वो वैल्यू ऑफ गोल्ड आपको मिलेगी प्लस 2% इंटरेस्ट मिलेगा. तो इस हिसाब से ये एक बेनिफिशियल स्कीम थी, तो बहुत लोगों ने इसमें ज्वाइन भी किया. सो मोर ओवर जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे दे वर ट्रेडेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो BSE NSE के ऊपर आप इनको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते थे, एंड दे कुड बी यूज एज कोलैटरल फॉर गेटिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन. सो दे वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम TDS एंड कैपिटल गेन्स टैक्स. तो ये जो है बहुत अच्छी एक स्कीम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तौर पर लाई गई थी, ताकि वो लोग जो अपना पैसा या सेविंग्स जो है वो गोल्ड में रखना चाहते हैं उसकी बजाय वो गोल्ड बॉन्ड में रखें. बट जैसे कि हमने पढ़ा कि गोल्ड जो है इंडिया में या तो टैक्स इवेजन के लिए यूज होता है या ब्लैक मनी की सेटलमेंट के लिए यूज होता है. अब बेसिकली बंदा ठीक है कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरेगा, TDS नहीं भरेगा, लेकिन जब वो ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम खरीदेगा तो अपने ब्लैक मनी को पहले वाइट तो करना पड़ेगा, ये तो दिखाना पड़ेगा ही कि ये पैसा आया कहाँ से जिससे गोल्ड बॉन्ड स्कीम खरीदी गई है. तो इसकी वजह से जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, जो अभी भी ब्लैक मनी यूज करके एज इट इज गोल्ड इम्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, वो तो अभी भी कवर नहीं होती. तो इस वजह से ये एक ट्रबलिंग सिचुएशन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के चलते हुए फिर भी चल रही है. खैर, एटलीस्ट जिनके पास व्हाइट मनी है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे सोशल रीजन से चाहे फाइनेंशियल रीजन से, तो उनके लिए स्कीम बहुत अच्छी है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. आई होप यू understood everything in this sovereign gold bond scheme. If there is any doubt, please write it into your live chat. Okay, so I'll be with you in the live chat and I'll be discussing all your queries. और अगर आप ये वीडियो लाइव प्रीमियर के बाद देख रहे हैं, तो आप मुझे अपनी क्वेरीज जो हैं वो ईमेल भी कर सकते हैं एट माई ईमेल ID abhishek@abhimanyu.com. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015. सो अंडर दिस स्कीम आरबीआई अलाउड कमर्शियल banks to accept customers idle gold or jewelry for 1 year to 15 years tenure, and in 2019 RBI also allowed charitable institutions and central government to dispose their gold in commercial banks. So basically इसमें ये latest development है. अब इसमें होगा क्या, इसमें भी 2% interest दिया गया है. minimum amount जो आप जमा करा सकते हैं that is 30 ग्राम, and maximum amount जो है उसका कोई लिमिट नहीं रखा गया है. अब जैसे तिरुपति तिरुमला देवस्थानम टेम्पल है, अगर उनका गोल्ड आरबीआई के पास आके जमा हो जाए तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ यू नो फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट मिल जाएगा. चलिए, देन गोल्ड बेसिकली गोज टू MMTC दैट इज मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड गोल्ड इज सोल्ड टू ज्वेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्रॉम दिस MMTC. ओके, एंड देन सम ऑफ द गोल्ड इज यूज्ड फॉर मिंटिंग इंडियन गोल्ड कॉइन, एंड व्हेनेवर द स्कीम मैच्योर्स the person can get a gold coin or bars or cash equivalent of whatever was deposited. हाँ, लेकिन वही same jewelry नहीं मिलेगी as it is. ठीक है, and the profit is exempted from capital gains tax. तो अगर तो आपकी कोई एक ये कह सकते हैं कि पुश्तैनी ज्वेलरी है, वो तो लोग नहीं जमा कराएंगे इसके अंदर. लेकिन हाँ ठीक है, जो बिट्स एंड पीसेस लोगों ने वैसे ही कई बार इकट्ठे हो जाते हैं कि ठीक है ये दो रिंग्स हैं या दो चेन्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो फालतू की ज्वेलरी घर में पड़ी है जिसके साथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं है, उसको इस तरह से लेवरेज करने की कोशिश की गई है, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में ये एक लिक्विडिटी भी इनहेंस कर पाए और लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी बने. ठीक है, सो दिस वाज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. नाउ प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया. देखिए, 2015 में ये स्कीम आई थी, तो 2016 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के ऊपर दोनों पे क्वेश्चन आया. तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, व्हाट इज आर द पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट्स स्कीम्स, तो दोनों के नाम लिखे हैं, तो देखते हैं. टू ब्रिंग आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउसहोल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, टू प्रमोट FDI इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स. तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, आप अपना आंसर जो है वो लाइव चैट में दे सकते हैं. मैं भी अपना आंसर जो है वो आपको लाइव चैट में ही दूंगा कि एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ दीज स्कीम्स, सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो एनर्जी के और गोल्ड के एरियाज को हमने डिस्कस कर लिया है. अब बेसिकली इंपोर्ट से हटके हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं,
कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को सुधारे कैसे, तो उसको लेके जो एफर्ट्स हैं दैट इज थ्रू ईपीजेड, जो सबसे पहले शुरू किया गया कांडला के अंदर, दैट वाज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो उसके बाद दैट कांडला, एक उसका फीचर और है कि वो पूरे के पूरे एशियन रीजन के अंदर पहला ईपीजेड था जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए ही काम कर रहा था। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कुछ इसी तरह के जोन्स हैं। SEZ basically is a specifically demarcated area of India which is deemed to be a foreign territory in terms of application of tax laws or trade laws। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस एरिया के ऊपर इंडिया के ना तो कोई टैक्स लॉ लागू होगा ना ही कोई ट्रेड लॉ लागू होगा। इट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस एंड इज सब्जेक्टेड टू लोअर रेट्स ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस इफ एनी। एंड दिस रिलीफ इज फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओनली विच इज कॉल्ड टैक्स हॉलिडे। तो कई बार ये 10 साल के लिए रिलीफ है और कुछ सेक्टर्स में 5 साल के लिए रिलीफ है। तो इस तरह से SEZs को सेट किया गया है। पहले 5 साल के लिए आमतौर पर इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता और अगले साल 5 साल के लिए 50% टैक्स है, फिर उसके बाद जो है नॉर्मल टैक्स लगने शुरू हो जाता है। अब ये SEZ को लेके कुछ नई डेवलपमेंट्स 2018 से चल रही हैं, लेकिन इनपे अभी तक प्रिलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकता है हमारे आने वाले प्रिलिम्स के पेपर के लिए। तो 2018 में बाबा कल्याणी रिपोर्ट केम इन ऑन SEZs। सो इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, लेट्स लुक इनटू दोस। सो पहला है, वेल द नंबर ऑफ SEZ एंड SEZ लेड एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज बट देयर एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट्स वर नॉट इनकरेजिंग इन द लास्ट डेकेड्स। इंस्टेड ऑफ गिविंग ब्लैंकेट जनरल टैक्स हॉलीडेज, SEZ यूनिट शुड बी गिवन टैक्स बेनिफिट्स लिंक टू हाउ मेनी जॉब्स दे क्रिएट और हाउ मच FDI दे अट्रैक्टेड और हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज दे एक्सपोर्टेड। तो कहने का मतलब, बाबा कल्याणी कमेटी ने इनकी परफॉर्मेंस सेंट्रिक इंसेंटिव की बात की, ठीक। देन थर्ड, SEZ शुड बी कन्वर्टेड इनटू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव्स विद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनइंटरप्टेड वाटर एंड पावर सप्लाई। तो 3 E's की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनक्लेव्स और एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 E क्राइटेरिया के ऊपर इनको बिल्ड करने की बात की गई है। देन फोर्थ इज इनकरेजिंग MSMEs इन ऑल दीज 3 E's, सो वी कैन क्रिएट मोर जॉब्स एंड सिंपलर एंट्री एंड एग्जिट प्रोसेसेस, सो यूजिंग अ टाइम बाउंड ऑनलाइन अप्रूवल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो कहने का मतलब, अगर आपने SEZ शुरू करना हो तो आपके लिए आसान हो, उसका एक ऑनलाइन सिस्टम बनना चाहिए। देन डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेस कॉरिडोर्स एंड एक्सप्रेस रोडवेज, पैसेंजर एंड कार्गो एयरपोर्ट, शिपिंग एयरपोर्ट, वेयर हाउसेस एक्सेट्रा नियर दीज SEZs और 3E zones। ओके, देन फोकस शुड बी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड नीड टू हैव ए प्लान फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया बहुत डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीजें जो हमारे मार्केट में आ रही हैं या तो चाइना से आ रही हैं या कहीं से आ रही हैं। आप COVID-19 पैंडेमिक के चलते तो इन चीजों से और भी ज्यादा खतरा है। तो इस वजह से, क्योंकि हमें नहीं पता कि वायरस किस सरफेस एरिया पे कितनी देर तक सर्वाइव करेगा, तो कार्गो हैंडलिंग में उसको लेके बड़ी परेशानी आती है। लेटली आई वॉज इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन दी एविएशन इंडस्ट्री। सो दोज हु आर हैंडलिंग कार्गो विच इज कमिंग फ्रॉम चाइना इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस सैनिटाइजर्स और PPE किट्स और यू नो इवन दी वेंटिलेटर्स, सो दे वर सेइंग दैट कि जो ग्राउंड स्टाफ है सारे के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो बहुत डरा हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि जो सरफेस एरियाज हैं उनके ऊपर कितनी देर तक वायरस सर्वाइव करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जो भी चीजें आ रही हैं उनके ऊपर एक तरह से रोक लगाने की बात चल रही है, पर कुछ चीजों पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं तो उन पे हम रोक लगा भी नहीं पा रहे हैं। तो द होल थिंग इज गोना चेंज, बट एनी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी शुड फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज अ गुड इनिशिएशन इफ इट कैन बी ब्रॉट इनटू फोकस ऑन द बेसिस ऑफ बाबा कल्याणी कमेटी रिपोर्ट। ओके, नाउ मूविंग इनटू नेक्स्ट एरिया। सो 2019 जुलाई के अंदर SEZ एक्ट में एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया गया, सो विच अलाउड इवन ट्रस्ट टू ओपन यूनिट्स एंड ऑफिसेस विद इन द SEZ। तो ये एक बड़ी मूव होगी इन टर्म्स ऑफ मोस्टली यू नो सच एज इस्कॉन और इस तरह के कोई भी जो ट्रस्ट हैं, वो अगर चाहें तो एक SEZ के अंदर अपना ऑफिस खोल सकते हैं। तो उससे उनको ये फायदा हुआ कि उनके ऊपर टैक्स लॉज या ट्रेडिंग लॉज हमारी अप्लाई नहीं होंगी। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी कंसर्न रहता है कि बैक चैनल फंडिंग का हमें ध्यान रखना होगा, बट क्योंकि आजकल बहुत सारी फंडिंग जो है वो ऑनलाइन है तो गवर्नमेंट कैन इजिली ट्रैक कि वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। देन
2020 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में अब एक और संशोधन किया गया है अंडर सेक्शन 10AA. सो दिस प्रोवाइड्स फॉर अ टैक्स हॉलिडे फॉर SEZ फर्म्स फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स, बट इट्स अवेलेबल इफ ओनली द फर्म स्टार्ट्स एक्टिविटी बाय 31st of March 2020, एंड इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दिस डेडलाइन शुड बी एक्सटेंडेड टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन कंपनीज टू कम एंड यू नो इनिशिएट देयर SEZs in India, especially given the pandemic situation, जो कंपनियों ने 31 मार्च तक ये काम करना था वो नहीं कर पाई होंगी बहुत वजह से, बिकॉज लॉकडाउन था. तो हो सकता है कि इसको बढ़ाया जाए और अगले साल के लिए भी ये छूट मिल जाए. तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड इवन अप टू 2021. सो लेट्स सी, दैट इज स्टिल इन द ऑफिंग, लेट्स लुक इनटू दैट. अब UPSC जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट EPZ इन 1965. तो दिस वॉज बेसिकली विच कंट्री, तो आपको इसके बारे में बताना है. मैंने थोड़ा सा इसका हिंट भी आपको दिया था, कांडला पोर्ट तो 1965 में खुला था, तो आंसर तो ऑलरेडी आपके पास इंडिया आ ही चुका है. एनी हाउ, दोज हु हैव ऑलरेडी आंसर्ड टिल नाउ, यू आर गुड, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट. ओके, चलिए आगे देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में. तो हमने इम्पोर्ट्स देख लिया, उसको लेके हम एनर्जी और गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं. एक्सपोर्ट्स देख लिया, तो SEZ को बढ़ावा दिया जा रहा है. अब इन्वेस्टमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा एरिया है जहां पे हम जो है ट्रेड डिपेंडेंस जो है अपनी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, या कह लीजिए कि अपनी फॉरेक्स जो हेल्थ है उसको भी बढ़ा सकते हैं. अगर FDI आए तो ट्रेड डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू चीजें यहीं पे बनेंगी, तो हम थोड़ी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. अगर FPI आती है तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी ओवरऑल GDP को बूस्ट दे सकती है, या आप कह लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज में भी एक बेटरमेंट ला सकती है, तो दोनों तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो FPI और FDI को लेके अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, लेट्स लुक इनटू दोस. ओके, अगर आपको अभी तक के टॉपिक समझ आ गए हैं तो प्लीज यस टाइप करके बता दीजिए. अगर कोई डाउट है तो प्लीज देन से योर डाउट एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द लाइव चैट. जो वीडियो लेट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक तो प्रेजेंटेशन का जो लिंक है ये जो चल रही है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और अगर आप ये वीडियो लाइव प्रीमियर के बाद कभी भी देख रहे हैं और आपके कोई भी इकोनॉमी या एथिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ये तीनों स्ट्रीम्स आई एम टेकिंग अप ओके फॉर UPSC स्टूडेंट्स, इनमें कोई भी डाउट है यू कैन ईजिली कम टू माई ईमेल एंड आस्क योर क्वेश्चंस, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन है चाहे प्री का है. तो इफ यू वांट यू गेट योर आंसर चेक्ड, एनीथिंग दैट द हेल्प दैट यू नीड आई एम अवेलेबल. So it's abhishek@abhimanyu.com. That's the email ID you can visit. Okay, now moving on to FPI. So foreign portfolio investment. So basically FPI bolte kisko hai? Pehle to ye dekhne wali baat hai. So it's a foreign entity registered with SEBI, which buys up to 10% in equity and shares of an Indian company. Originally, these were called foreign institutional investors and qualified foreign investors. But in 2013, SEBI merged them into single category, which is now called foreign portfolio investors. And this was basically on the recommendations of KM Chandrasekhar committee. Or FPI, basically its primary objective is to make money from buying and selling of shares through capital market or share market. And they even help SEBI non-registered foreign investors by ensuring them any kind of participatory notes. So participatory notes ke through jo log SEBI ke saath directly registered nahi bhi hain, वो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया की कैपिटल मार्केट के अंदर कर सकते हैं, तो उसको एक सिनेरियो बिल्डिंग FPI के थ्रू मिलता है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब 2019 के जो फुल बजट आया, एक तो पार्शियल बजट आया था हमारे पास, एक जुलाई में फुल बजट आया था. फुल बजट के अंदर क्या कहा गया, सो बिफोर द फुल बजट द एग्रीगेट लिमिट ऑफ ऑल FPIs इन एन इंडियन कंपनी वॉज 24%. तो ये जो कैप है ये 24% तक रखी गई थी. Otherwise, if 10 different foreign portfolio investors invest 99% each in a company, so this would go up to 90% shareholding, and which will be owned by foreigners, even though a given industrial sector may not be open for 90% foreign direct investment. So, हमने एक limit set की हुई है कि 10% से ज़्यादा अगर FPI कहीं भी होगा, तो उसको हम FDI बोलेंगे, foreign direct investment. पर अगर 9% करके इस तरह से लोग कर ले, तो फिर 90% उन्हीं का हो गया, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ वाला एक सिचुएशन था. अब क्या है, आफ्टर द फुल बजट ऑफ 2019 दिस 24% कैप इज मूव्ड, एंड नाउ एग्रीगेट लिमिट ऑफ ऑल FPIs इन एन इंडियन कंपनी इज इक्वल टू टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टोरल कैप फॉर दैट इंडस्ट्री. तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर 10% से ज्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे तो एसेंशियली दे विल बी कंसिडर्ड एज FDI ओनली. सो वो जो 24% का कैप था वो रिमूव कर दिया गया है, अब
टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लेवल पे ही उसको देखा जाता है। अलग अलग इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो एफपीआई है उसको एफपीआई ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो एफडीआई इज मोर देन 10% इक्विटी और शेयर और इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी इनटू एन इंडियन कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ दैट इंडियन कंपनी। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट इज देयर विच बॉट यू नो 77% स्टेक्स इन फ्लिपकार्ट इन 2018 एट $16 बिलियन। रिसेंटली यू नो जियो एंड इन दैट फेसबुक हैज गिवन अ लॉट ऑफ एफडीआई, सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल व्हिच हैपेंड इन 2020। ओके, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, टोबैको प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, फार्म हाउसेस, चिट फंड्स, निधि कंपनीज एंड बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनोज एंड लॉटरी। तो इन एरियाज में इनकी प्रोहिबिशन है, ये प्रिलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखे जाना है आपने हमेशा। देन फॉर रिमेनिंग सेक्टर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड आइदर थ्रू ऑटोमेटिक रूट, तो कहने का मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, या दूसरा है गवर्नमेंट रूट जिसके अंदर प्रायर टू इन्वेस्टमेंट दे नीड टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री, दो जगह से लेनी पड़ती है परमिशन। पहले इसके लिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था, तो वो अब बंद कर दिया गया है, वो एफआईपीबी अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब इंडिविजुअल कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगा प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप एफडीआई लेके आएंगे। नाउ बजट 2019 जो है उसने एफडीआई को लेके कुछ नए चेंजेस हमारे को दिए हैं, तो वो क्या है। सो पहला है इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, सो 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट इज नाउ परमिटेड इन देम, प्रीवियसली दिस वाज एक्सटेंडेड टू 74% ओनली। देन इंडिया विल एग्जामिन द सजेशंस ऑफ फर्दर ओपनिंग अप ऑफ एफडीआई इन एविएशन, मीडिया एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स आफ्टर कंसल्टिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स। प्रेजेंटली 100% एफडीआई इज अलाउड इन सिंगल ब्रांड रिटेल बट विद कंडीशंस दैट दे मस्ट प्रोक्योर एटलीस्ट 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम इंडियन एमएसएमईज, एंड दिस मे बी गेटिंग रिलैक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज लॉट ऑफ सिंगल ब्रांड रिटेल यूनिट्स आर कंप्लेनिंग कि हमें जो क्वालिटी है कंटेंट की वो उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही, तो 30% कम किया जाए, तो दिस इज अ प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट एंड मे बी इट गेट्स रिलैक्स्ड सून। ओके, नाउ इंडियाज न्यू एफडीआई रूल्स फॉर ई कॉमर्स, दिस हैज बीन न्यूज लेटली। सो ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अब ई कॉमर्स पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे काम करता है, फिर इसके ऊपर एफडीआई के क्या रूलिंग्स है वो देखेंगे। सो काम करने के लिए ई कॉमर्स के दो बेसिक मॉडल्स हैं, एक है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, दूसरा है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के अंदर द कंपनी सेल्स द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज ओन्ड बाय देम टू द कंज्यूमर डायरेक्टली, तो कहने का मतलब यह है कि वो खुद की चीजें बनाएंगे और बेचेंगे, और यहाँ पे जो है एफडीआई की परमिशन नहीं है। दूसरा है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, तो यहाँ पे कंपनी बेसिकली प्रोवाइड से वेब पोर्टल और ऐप टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यहाँ पे बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, और ये जो कंपनीज हैं ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लेवल पे काम करती हैं, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, और यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है। आज की डेट में तो अमेजोन भी रो रहा है बिकॉज लॉकडाउन के चलते उनकी जो सारी ई कॉमर्स ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं, सिर्फ एसेंशियल्स ही अलाउड है और अभी नॉन एसेंशियल्स को परमिशन नहीं मिली है एज ऑफ दिस डेट। Then marketplace e-commerce companies basically were engaging in anti-competitive behavior. दो तरह से ये लोग काम कर रहे थे, एक तो ये अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे प्रमोट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अगर आप Amazon पे जाएंगे तो आपको सोलिमो एक ब्रांड मिलेगा, तो जिसके तहत वो अपने ब्रांड की प्रमोशन भी साथ में कर रहा था। सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बिकॉज दिस इज नॉट बेसिकली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मॉडल, तो 100% एफडीआई को भी वो थोड़ा डिफीट करता है, दिस क्रिएट्स ट्रबल। सो इसकी वजह से कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री अपडेटेड द नॉर्म्स ऑन मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 यूजिंग द पावर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसमें ये कहा गया दैट सच ई-कॉमर्स कंपनीज कैन नॉट हैव एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स विद द सेलर्स। जैसे कि आप देखिए कि वन प्लस का फोन लॉन्च होना है तो अमेजोन पे ही बिकेगा, और अगर शाओमी का कोई फोन आ रहा है तो फ्लिपकार्ट पे ही बिकेगा, तो ये थोड़ी सी जो स्पेसिफिक या एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स हैं वो थोड़े रुकने की बात की गई, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ब्रॉड पोर्टल्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं ये नजर आने शुरू हुए। दूसरा, टाइटन द टेक्निकल नॉर्म्स रिलेटेड टू कैशबैक एंड डिस्काउंट्स, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव कैशबैक्स और डिस्काउंट्स प्रॉमिस किए जाते थे, तो जो मार्केट में जो लोकल मार्केट फिजिकल मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर्स हैं उनको हमेशा एक इससे थ्रेटन फील होता था,
तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स टाइटन करने की कोशिश की गई है ताकि जो कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर रहें बिटवीन दी ई कॉमर्स एंड फिजिकल कॉमर्स. देन टाइटन द नॉर्म्स ऑन ई कॉमर्स कंपनीज हु वर यूजिंग देयर ओन सब्सिडरी कंपनीज और शेल कंपनीज एज ऑनलाइन मर्चेंट्स टू सेल प्रोडक्ट्स एट डीप डिस्काउंट्स. तो क्या करते हैं ये लोग कि जैसे एक प्रोडक्ट अपना बना लिया, फिर उसके पहले तो प्राइसिंग दिखा दी कि 1,000 रुपए का है, फिर उसके ऊपर 50%, 60%, 70% डिस्काउंट दे दिया, फिर 300 रुपए का दिखा के बेच दिया. तो बंदे को लगता है कि ये तो वैसे ही प्रोडक्ट होगा, पर उसके बाद जब आता है तो देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो आप इसको बहुत बार आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा विद अमेजोन, विद फ्लिपकार्ट, विद सो मेनी अदर्स. सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी. ओके चलिए, देन अब इसको लेके हमें क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए एफडीआई या एफपीआई. तो लेट्स लुक इनटू दिस. तो 2011 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था बोथ एफडीआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब ध्यान दीजिए कि उस टाइम पे इसको एफआईआई ही बोलते थे हम, एफपीआई तो बाद की बातें हैं. दे आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स इन ए कंट्री. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू. सो दिस वाज द क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2011. सो फोर ऑप्शंस हैं आपके पास, फटाफट से अपनी लाइव चैट के अंदर इसका आंसर बताइए और मैं भी अपना आंसर वहीं पे आपको चैट के अंदर ही दूंगा. ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं. आई होप यहाँ तक आपको चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी. डाउट्स हो तो आप इसी चैट के अंदर में से पूछ सकते हैं. मूविंग इनटू नेक्स्ट स्लाइड. सो एफआईपीबी इसकी अबॉलिशिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. 2017 के अंदर इसको अबॉलिश कर दिया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को. और अब जो रूल है बेसिकली एफडीआई के लिए, तो उसमें यह है दैट ऑल एफडीआई प्रपोजल्स आर नाउ टू बी क्लियर्ड बाय द इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री. तो दो मिलके इसमें काम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेन ड्राइव फैक्ट्री के अंदर कोई काम होना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलके इसको तय करेगा. और अगर कोई प्रपोजल 5,000 करोड़ से बड़ा है तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा. देन एफआईपीबी वेब पोर्टल जो है उसको रीनेम कर दिया गया है. दिस नाउ बिकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन पोर्टल एंड इट हैज बीन ट्रांसफर टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस. एंड वन मोर थिंग दैट इज देयर इज दैट इन एनी केस इफ द एफडीआई प्रपोजल इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फिर उसको क्लियर करने की जो पावर्स हैं वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री के पास है, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है ना किसी और मिनिस्ट्री के पास है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो. एंड एफडीआई प्रपोजल रिलेटेड टू प्राइवेट सिक्योरिटी एनर्जी एजेंसीज और यू नो स्मॉल आर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो इनके लिए भी जो एफडीआई के प्रपोजल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री ही क्लियर करेगा. तो तीन एरियाज बन गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई एफडीआई आए, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कोई एफडीआई आए, या स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई एफडीआई आए, तो इनके प्रपोजल्स जो हैं वो होम मिनिस्ट्री क्लियर करेगा. मुझे लगता है कि इस लिस्ट में आगे जाके चाइना भी जुड़ जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. तो ये एक बेसिक इसके पीछे कंसर्न ये था कि इंडिया के अंदर हम एक आईएफएससी एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसके थ्रू इंडिया एक वर्ल्ड लेवल का फाइनेंशियल हब बने. तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी जो है दैट वाज एस्टैब्लिश नियर अहमदाबाद, इट इज आल्सो नोन एज गिफ्ट सिटी, फॉर क्रिएशन ऑफ दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. और जो 2019 का बजट है उसके अंदर इसको लेके कुछ करंट अफेयर्स आए थे. दैट कंपनीज ऑपरेटिंग इन आईएफएससी वर गिवन एडिशनल बेनिफिट्स एंड टैक्स हॉलीडेज इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड दिस ग्रीनफील्ड गिफ्ट सिटी वाज डेवलप्ड एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर. ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिटवीन आईएलएफएस एंड गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड. अब आपको पता है आईएलएफएस के अंदर बहुत क्राइसिस हुआ, तो उस क्राइसिस के बाद जो 50% शेयर होल्डिंग था आईएलएफएस के पास वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को ट्रांसफर कर दिया गया अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज नेसेसरी फॉर दैट. सो दिस इज व्हाट हैज लेटली हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू गिफ्ट सिटी. ओके नाउ दिस इज आईएफएससी अथॉरिटी बिल 2019. सो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को लेके हम जैसे कि गिफ्ट सिटी में सेटअप हुआ है, अब एक नया आईएफएससी अथॉरिटी बिल ला रहे हैं और इसका कंसर्न है कि दैट आईएफएससी कैन बी सेटअप अंडर द एसईजेड एक्ट. सो दे विल गेट अ रिलीफ एंड एग्जेम्पशन इन इनडायरेक्ट टैक्स लॉज ऑल्सो. And further, RBI, SEBI, IRDAI and other regulator norms also apply in relaxed manner. जैसे कि SEZs के साथ होता है, वैसे इनके साथ भी होगा. और concern ये है that 2019 bill is basically it aims to set up a statutory international financial service center authority with a chairman, representatives from financial regulators and government officials and experts
so that this authority can regulate the financial products, services and institutions which are working in an IFSC. अभी तक इसको जो रेगुलेट करने का कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं बना था, तो ये IFSC बिल के अंदर इसकी रेगुलेशन का प्रॉपर सिस्टम बन गया है। अब इसको बस पास करना है और नोटिफाई करना है तो काम चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप गिफ्ट सिटी छोड़ के और जहां पे भी चाहे IFSC खोल सकते हैं, SEZ के अंदर बस उसको खोलना है, ये कंसर्न हो जाएगा। चलिए, सो दीज वर दी एरियाज विच वर देयर इन दी एक्सटर्नल सेक्टर जो आपको अप्रैल 2020 तक अपडेट करने थे। सो आई डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दिस, फॉर कलेक्टिंग ऑल द फैक्ट्स। You can use all these facts for your UPSC prelims and mains examination without any concern for कोई duplicacy या कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इनको अपने paper में use कीजिए। They can be dependable source because ये सारे press information bureau, live mint, Hindu या फिर economic survey या budget के documents से ली गई information है और ये government के authentic site से ली गई information है, तो आप आराम से इसको use कर सकते हैं। Do share this video with your friends, like, subscribe and share this particular video. Thank you so much. All the best for your prelims and mains preparation and in UPSC. आपको कोई भी help अपनी preparation को लेके चाहिए, so my email ID is given, abhishek@abhimanyu.com. So thank you. This is me, Abhishek Sharma, signing off.